हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। सिंपली 4 root 81, 8 into 3 root 343, 15 into 5 root 32, 225। इसको हमको सिंपलीफाई करना है, तो इसके लिए सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे एक एक का। 81 का एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पे, 327 जा 39 जा 33 जा 31 जा, ये हो गया। 343 का एलसीएम निकालेंगे हम 7 से 74 जा 79 जा 77 जा 71 जा, दोनों का हम एलसीएम निकाल लिए। उसी तरह एक और एलसीएम है, 32 का एलसीएम ले लेंगे, 21 जा 26 जा 28 जा 24 जा 22 जा, उसी तरह 22 जा 21 जा, रिमेनिंग बच गया 225 का एलसीएम लेना है हमको, 2 यहाँ ले लेंगे 225। 5 से 54 जा 20, 55 जा 25, 5 से यहाँ पर ले सकते हैं 59 जा, या आप ले सकते हैं 59 जा 33 जा 31 जा, ये ले लिए हम। अब यहाँ पर देखिए ये 4 root 81 हो गया, यहाँ पर 81 को 3 कितने टाइम है, 4 टाइम, ये लिख सकते हैं -8 into 3 root 343 की जगह 7 3 टाइम है, यहाँ पर लिख सकते हैं +15 into 5 root 31 की जगह पर 25 टाइम है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 25 टाइम, +225 की जगह 3 2 टाइम है और 5 2 टाइम है, इस तरह आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 root 4 इसको इस तरफ ला लें तो 1/4, -8 into 7 power of 3 इसको इस तरफ ला लीजिए 1/3, +15 into 2 root 5 इस तरफ ला लेंगे 1/5, 3 power of 2 1/2 हो जाएगा, into 5 power of 2 1/2 हो जाएगा, इस तरह हो जाएंगे। देखिए 4 4 7 3 3 5 5 2 2 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बच गया 3 -8 into 7 +15 into 2, यहाँ पर बच गया 3 into 5। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 7 56, 15 2 30, 3 5 15। अब ये तीनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 -56, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -8। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुँचे।